तो ये मोहतरमा मुझे यहाँ पे मिली हैं, इनका नाम है कायला और ये ऋषिकेश आए हैं। हाय, इस रास्ते से मैं नीचे से आया हूँ और अब वाटरफॉल इस तरफ है। बड़े चेते होंदे ने यार मुल्ले हवा दे बुल्ले। ऋषिकेश में 2 दिनों का सफर बहुत खूबसूरत था, लेकिन अब वक्त था ऋषिकेश में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करने का। तो अगर आपने पहले 2 दिनों का सफर नहीं देखा तो आप जाके पहले 2 दिनों का ये व्लॉग देख लो, ताकि इस 3rd दिन के सफर में हम आगे साथ साथ चल सकें। सुबह उठ के गो स्टॉप से मैंने चेकआउट किया और सीधा चल दिया मैं नीलकंठ मंदिर की तरफ। भगवान शिव का ये मंदिर पहाड़ों के बीच में है और यहाँ पे आप बाइक कार पे आराम से आ सकते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर में माथा टेकने के बाद मैं चल गया वापस ऋषिकेश की तरफ। तो नीलकंठ और ऋषिकेश के रास्ते में आता है मौन गांव। मौन गांव इसको क्यों कहा जाता है इसके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है और यहाँ के लोग मौन रहते होंगे। ये गांव बिल्कुल आपके सामने है और इस गांव का नाम मौन गांव है। जहाँ मैं रुका हूँ ये नीलकंठ मंदिर और ऋषिकेश के रास्ते में है और इसको पटना वाटरफॉल कहते हैं। और सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया और यहाँ पे रुका हूँ, मैगी खाऊँगा यहाँ से और फिर ऊपर चला जाऊँगा वाटरफॉल देखने, और वाटरफॉल के बाद फिर नीचे जाऊँगा ऋषिकेश और शाम को आरती करूँगा अटेंड। और देखते हैं ऋषिकेश में आज क्या कुछ नया मैं देखता हूँ, क्या कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब जहाँ मैं ट्रैक कर रहा हूँ ये है पटना वाटरफॉल का ट्रैक, और यहाँ से 1 किलोमीटर है ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। और पानी का तो मैं बहुत शौकीन हूँ, जितनी गर्मी यहाँ पड़ रही है ठंडे पानी के नीचे नहाने का मज़ा आएगा। और ये पटना वाटरफॉल नीलकंठ मंदिर से ऋषिकेश के रास्ते में आता है, और आप किसी से भी पूछ लीजिए पटना वाटरफॉल कहाँ है, आपको मैगी पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पे, वहाँ पे आप कुछ खाइए। और फिर अगर आप चाहते हैं कि ठंडा ठंडा पानी आपके सिर के ऊपर पड़े तो आप मेरी तरह इस ट्रैक पर चले जाइए। और नीचे भी वाटरफॉल है, लोग वहाँ पे नहा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा और ऊपर का नज़ारा मैं खुद देखूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो ये है वो पटना वाटरफॉल का रास्ता, ऐसा ही ट्रैक मुझे पसंद है, मज़ेदार। ये कितना सुनसान सा जंगल है और ऊपर वाटरफॉल है। यहाँ पे कोई टिकट नहीं है, नीर वाटरफॉल जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे टिकट है, पर पर्सन 30 रुपीज़ और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस रास्ते से मैं नीचे से आया हूँ और अब वाटरफॉल इस तरफ है। ये देखिए कितना खतरनाक ट्रैक है और कितना मजेदार रास्ता है। ये है वाटरफॉल, ऐसे लग रहा है बाहुबली फिल्म की शूटिंग पे आ गया हूँ मैं। क्या झरना यार, ओह वाह। यहाँ पहुँचते पहुँचते हालत टाइट हो गई, लेकिन जो पीछे नज़ारा है मेरे वो बहुत मज़ेदार है, मज़ेदार। अभी मैं अंदर जाऊँगा नहाऊँगा
और शायद मैं अपना फ़ोन वहाँ ना लेके जा सकूँ क्योंकि नीचे ही पानी बहुत ज़्यादा है और यहीं तो मुझे आप वीडियो को रोकना पड़ेगा। ऊपर जाके देखता हूँ, अगर फ़ोन लेके जा सका तो डेफिनेटली मैं वहाँ लेके जाऊँगा और वहाँ से आपको नज़ारा दिखाऊँगा। ये मोहतरमा मुझे यहाँ पे मिली हैं, इनका नाम है कायला और ये ऋषिकेश आए हैं। हाय, हेलो। ओह, तो इन्होंने मेरी बहुत सुंदर तस्वीर खींची है। आपको हिंदी समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? आर यू डू यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज व्हेन आई स्पीक इन हिंदी? ओके ओके, नहीं। ओह धन्यवाद। ओके सो धन्यवाद फॉर द पिक्चर। इन्होंने मेरी बहुत सुंदर तस्वीर खींची है, वो मैं अभी अपडेट करूंगा। और ये बहुत अच्छी पेंटिंग कर रही थी यहाँ पे बैठ के साइड पे, और मैं इनकी पेंटिंग भी अभी देखूंगा। ये है त्रिवेणी घाट और अभी वक्त हुआ है शाम के 5:15 और 6:30 बजे तक तैयारियां शुरू हो जाएंगी और 7 बजे यहां पे आरती होगी। तो ये देख सकते हो आप कितने लोग यहां पे हैं जो गंगा स्नान कर रहे हैं, और दूर दूर से लोग आते हैं यहां की आरती देखने के लिए। आपको कैसे लगा आपको यहां पर? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत बढ़िया। वीडियो में गंगा आरती को देखना और आरती में मौजूद होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। ऋषिकेश का सफ़र गंगा आरती के बिना अधूरा है। जब कभी ऋषिकेश आओ, गंगा आरती ज़रूर देखना। आज की आरती नहीं विश्राम लेती है, कल फिर मिलेंगे। जय माता दी, हर हर जय। त्रिवेणी घाट में गंगा आरती देखने के बाद मैं चल दिया अपने नए हॉस्टल की तरफ, जिसका नाम है हाउस ऑफ ट्रेवलर्स, और इसमें मुझे एक डोम 600 रुपये में मिला। रात को जब मैं खाने की तलाश में ऋषिकेश की गलियों में निकला तो मुझे नए दोस्त मिल गए। मेरा भरा आएगा, मेरा भरा आएगा। सही है यार, बड़े चेते होंदे ने यार, मुल्ले हवा दे बुल्ले। अगले दिन उठ के मैंने वापसी की तैयारी की। शाम 5 बजे की बस थी तो सोचा क्यों ना आज के दिन भी कुछ नया किया जाए। ऋषिकेश में काफ़ी सुना था सीक्रेट वाटरफॉल के बारे में, तो मैं
सीक्रेट वाटरफॉल के ऊपर भी जो वाटरफॉल है वहाँ चला गया। पटना वाटरफॉल के बाद यही एक वाटरफॉल है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। इसका रास्ता काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। अगर आप स्कूटी पे यहाँ आए तो बेस्ट रहेगा, लेकिन मैं अपनी स्कूटी आज वापस कर चुका था, इसलिए लिफ्ट लेके थोड़ा सा पैदल चल के मैं यहाँ तक पहुँचा। और यहाँ के नज़ारे, यहाँ की आइसोलेशन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो बस यहीं ख़त्म करते हैं अब इस सफ़र को। ऋषिकेश की इन पहाड़ियों को अलविदा कह के मैं चल दिया अपने घर की तरफ। कैसा लगा आपको ये सफ़र, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप ऋषिकेश में अपना अगला ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना।